अगर आपने CS या फिर IT में से डिग्री करी है तो जनरली आपको एक IT में सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के ड्रीम्स हो गए, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बना जाता है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। एंड आज मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको फ्रॉम स्क्रैच सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ज़्यादा करके प्रोग्रामिंग और कोडिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस है जैसे कि HTML, CSS, अभी वो भी डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो ये पर्टिकुलर डिफरेंट थिंग्स को सूटेबल है, तो वो आपको पिक करना है और उसी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। एक बार आपने कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख ली तो डेफिनेटली सेकंड थिंग कम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट शॉर्टलिस्टेड, दैट इज़ कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। CS या फिर IT जैसे मैंने फर्स्ट थिंग में बोला, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपके पास टेक्निकल डिग्री, आपने या तो BTech या फिर BSc MSc कहीं से भी करा है बट वो टेक्निकली कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड्स में से अगर आपने करे है तो आपको शॉर्टलिस्ट होने में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो कि आप आपके रेज्यूमे में स्टेट करोगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब इंटरव्यूज दोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट्स द रीजन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड वही चीजों के बारे में आप जब बात करोगे इंटरव्यूज में तो इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर कि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आपने खुद से सेल्फ लर्न करी है, तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर देम, क्योंकि फ्रेशर्स को ज्यादा करके ट्रेन करना पड़ता है, बट अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट नॉलेज कर रखा है तो वो आपको हेल्प ही करने वाला है। नाउ द फोर्थ थिंग कम्स कि आपको एक रेज्यूमे बनाना है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर स्पेसिफिक बनाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली फ्रेशर्स कौन सा मिस्टेक करते हैं, दैट इज कि एक जेनेरिक रेज्यूमे बना देते हैं और वो सारी जगह पे वही रेज्यूमे अपलोड कर देते हैं, बट इट इज वेरी रॉन्ग थिंग जो आपको करनी चाहिए एंड इट इज द लास्ट थिंग यू शुड डू। द थिंग यू शुड डू इज कि आपको रोल स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फिर अगर कोई दूसरा रोल है तो उसके स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है एंड उसको अप्लाई करना है आपको। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रेज्यूमे बना के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, दैट्स द रीजन रोल स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाओ और जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाओ। फिफ्थ थिंग जो आपको करनी है दैट इज अप्लाई एग्रेसिवली। जहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ओपनिंग हो वहां पे अप्लाई कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा आपके इंटरव्यूज होंगे, जितने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतने ज्यादा चांसेस आपके शॉर्टलिस्ट होने के, हायर होने के बढ़ जाते हैं। वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग एग्रेसिवली आपको इंटरव्यू के कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उतने ज्यादा आप इंटरव्यूज दोगे और शॉर्टलिस्ट होकर ऑफर्स भी उतने ज्यादा कलेक्ट करोगे। फिर इट विल बी अप टू यू कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपर करके ज्वाइन होना है, कौन सी कंपनी में। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है बट बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जो बूमिंग रोल्स है इनमें से कुछ बनना है, तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं। मैं खुद एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको आपके करियर डिफिकल्टीज कुछ भी है मुझसे डिस्कस करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। आप बस टॉपमेट पर स्लॉट बुक कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टीज। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। See you in the next video. Thanks for watching.